इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक गुरु जी एक सेठ जी को समझाते समझाते बहुत दिन बिता दिए। बोले मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी बहुएं, मेरे बच्चे, आप सबको इस कथा को बहुत भाव से समझना होगा। तो गुरु जी ने, तत्वज्ञानी थे, कहा कि बेटा ये देख, तू भले मेरा मेरा कर रहा है लेकिन तेरा कोई है नहीं। मैं आपको एक क्यों सुना रहा हूँ, आप कर्तव्य तो करिए परंतु संसार में किसी में अपने को चिपकाइए मत। उदाहरण लीजिए, यदि पूरा परिवार आपका है, अपना है, तो जिन पांच बच्चों का विवाह आपने किया है, बहू लाए अपने सुख के लिए कि थोड़ा गरम गरम बुढ़ापे में मिलेगा, और वही ब्याह के बाद साल दो साल बाद बहुएं आपके ही बच्चे को लेकर के लखनऊ चली जाती। हम तो लाए थे 150 में छांट कर, अरे वो आई और लेकर गई, तो तुम ही तो लाए थे ले जाने के लिए। यदि उनको आपसे प्रेम हो तो आपकी चिंता करे, कोई किसी से प्रेम नहीं। और जो साथ में गए उनका भी आपस में प्रेम नहीं। शिव शास्त्र है ये, बाबा ने कहा कब, जब बाल को भगवान ने मुक्त कर दिया तो प्रश्न किया माँ भगवती ने। अभी सुग्रीव कह रहे थे कि हमारे हितैषी हैं, बाल परम हित जासु प्रसादा मिले हो राम तुम समन बिसादा। जब भाई ने कह दिया कि मेरा हितैषी है तो राम जी ने क्यों मारा? क्या राम जी ने नहीं मारा? सुग्रीव की वार्ता ने ऐसा करने को प्रेरित किया। सुग्रीव ऐसा न बताते तो भगवान संकल्प न लेते। आदमी जब कष्ट में होता है तो न जाने कितनी प्रतिज्ञाएं कर लेता है, अब प्रसन्न होता है तो कितनी प्रतिज्ञाएं कर लेता है। सावधान, कथा कहती है अतिशय प्रसन्नता में किसी को वचन नहीं देना चाहिए और अतिशय क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। सावधान, बहुत प्रसन्न हो। हम आपको वचन देते हैं, वचन देने में चक्रवर्ती जी महाराज का प्राण चला गया। अतिशय आवेश में निर्णय लिया मां कैकेयी ने, तो पुत्र से विछोह प्राप्त हुआ। ये सूत्र है कथा के, इसको संभाल कर रखना चाहिए। बहुत लंबी कवायद जिंदगी की है, राग मुक्त हुआ जाए। कैसे? कर्तव्य बोध को समझते हुए राग मुक्त हुआ जाए। भगवत शरण आने के लिए भगवान ने सूत्र दिया, तजिमद प्राप्ति का हम न मोह मोहन कपट, जैसे हैं वैसे जाएं, बनाए न। हम बेईमान हैं तो बेईमान बन के भगवान की शरण में जाएं, फिर ईमानदार बनने का नाटक न करें। हम झूठे हैं तो झूठ बन के जाएं, क्यों, उनसे क्या छिपेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हम जो कर रहे हैं वहां सब दिखाई पड़ रहा है, जब हमारे यहां है वहां है, वहां कहां नहीं है। सब जगह परमात्मा है, जो हम कर रहे हैं, जो कर चुके, हमको याद नहीं, वो भगवान को याद है। हमारे एक मित्र कहते हैं महाराज श्री, भगवान ने मोबाइल में क्या लगता है, वो जिप लगता है ना सिम कार्ड में, भगवान ने सबके अंदर एक एक सिम कार्ड फिट किया। जैसे आपके यहाँ कौन काल आती है, कौन काल जाती है, कैसा है समय साफ करते हैं, आता है जाता है, तो पुलिस सर्विलांस पर लगा दे तो उसके पास रिकॉर्ड होने लगता है, अथवा तो आपकी कंपनी में सारी कॉल पड़ी रहती हैं, जिस कंपनी का सिम कार्ड आपके पास है
भगवान ने सबके अंदर सिम कार्ड फिट कर रखा है, कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, क्या धरता है, सबकी रिपोर्टिंग भगवान के सिम कार्ड में होती है। इसलिए भगवान से कुछ छिपाने योग्य नहीं है। सो प्रभु ने कहा, तज मद मोह कपट अछलना, अनेक प्रकार का वो छल करे सब छोड़कर यदि हमारी शरण में आ जाए तो हम उसको साधु जैसा बना देते। साधु जैसा हमारा भी बनने का भाव है तो प्राप्ति का अहम त्यागा जाए। महाभारत जी में महाराज ययाति की कथा है, बड़ी अलौकिक कथा है। महाराज अयाति ने इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए अपने छोटे पुत्र पुरु का 1000 वर्ष उम्र ले लिया। स्वयं क्या किए, अपनी वृद्धावस्था जो शुक्राचार्य के श्राप से युवावस्था को वृद्धावस्था में बदल लिए थे, तो अपनी वृद्धावस्था पुरु को भेंट कर दी और उनकी युवावस्था लेकर 1000 वर्ष सुख प्राप्त किए। फिर 1000 वर्षोपरांत अपने पुत्र को वो अवस्था दे दिए और वृद्धावस्था ले लिए। क्यों कि उनको जगत से त्याग प्राप्त हुआ, वैराग्य हो गया। फिर वन में भजन किए, कठोर तप किए, तप के पश्चात प्राप्ति भई किसकी, स्वर्ग की। हम आप जो पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उससे हमको आपको स्वर्ग अर्थात देवलोक प्राप्त होता है। जिसके जिसके पास सांसारिक सुख है ये पुण्य का फल है। संसार के समस्त वैभव हमारे आपके पुण्य के फल हैं, बहुत मिला। लेकिन इन पुण्य फलों को सुख रूप में भोग भोगने के बाद भी यदि हम देवलोक चले गए तब भी पुण्य क्षीण होते हमको मृत्युलोक में आना है। साधक क्या कहता है, साधक कहता है जो हमने पुण्य प्राप्त किए उन पुण्यों को भोगे ना, उन पुण्यों को भगवान के चरण में अर्पित करें। भगवान के चरण में जो जो सामग्री हम अर्पित करेंगे उसका बल कोटि गुना बढ़ जाता है, उसका भार कोटि गुना बढ़ जाता है। आप मंदिर गए, मंदिर जाकर दर्शन करके लौटे, जल ले करके घर के मंदिर में भगवान के श्री चरण में, प्रभु आपके श्री चरणों में आज का समस्त पूर्ण अर्पित है, श्री रामार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री शिवार्पणमस्तु, जो पुण्य परमात्मा के चरणों में अर्पित हम करेंगे उसका भाव, उसका ताप, उसका तेज, उसकी दिव्यता करोड़ गुना वृद्धि को प्राप्त करती है। तो पुण्य के परिणाम स्वरूप जैसा इनका भाव था इनको स्वर्ग प्राप्त हुआ, प्राप्त हो गया। जिसको जिसको प्राप्त हुआ, प्राप्ति होने वाले को एक समस्या आती है, क्या, जिसको जिसको मिल जाता है वो अपने से श्रेष्ठ का भी सम्मान समाप्त कर लेता है। जिसको बाबा ने लिखा है, नहीं को वस जन्मा जगमाई प्रभुता पाई जाहि मदना, ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसको प्रभुता प्राप्त हो जाए और मद न हो, कोई नहीं। देवराज इंद्र ने एक बार नंदन वन में टहलते हुए ययाति महाराज से पूछा, राजन आपने जो तप किया है
ये किसके बराबर तप किया है। उन्होंने समस्त ऋषियों का और राज ऋषियों का नाम लेकर कहा, मेरी दृष्टि में तो मैंने जो तप किया अब तक किसी में दिखाई नहीं पड़ता है। इतना कहते महाराज का पुण्य कम हो गया और नंदन वन से वो नीचे गिर पड़े। क्यों? हमारा कर्म, हमारी दिव्यता, हमारा तेज, हमारी तपस्या दूसरा करे तो पुण्य बढ़ेगा, हम करे तो पुण्य घटेगा। कलयुग बड़ा विचित्र है, कलयुग कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, आप में ही प्रवेश कर जाएगा। भाई आप बाहर तो देख सकते हैं, अंदर कैसे देखेंगे? एक कहलवाता है, एक दिन पूजन कर लीजिए तो 15 दिन कहलवाएगा, आप दिखाई नहीं पड़े। नहीं, आपको पूछने की जरूरत नहीं, आदमी स्वयं बोलता है कल हम नहीं दिखाई पड़े थे, क्यों? रुद्राभिषेक में थे। ला अकारण आदमी योजना बना करके अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा करता है जिससे उसका पुण्य कम होता है। ये कलयुग का व्यवहार है, वो करवाता है। आप कुछ भी सत्कर्म करेंगे कलयुग अंदर बैठ जाएगा और आपसे बार बार कहलवाएगा, जब बार बार कहलवाएगा तो आपका पुण्य कम होगा। इसीलिए आदमी के अंदर तप रुकता नहीं है कलिकाल, सत्कर्म करते हुए कुछ ना कुछ बुलवा देगा, सत्कर्म करते करते अपने से प्रशंसा करा देगा, नहीं तो 4 लोग भेज देगा प्रशंसा करने वाले, वाह वाह करो वाह वाह करो, वो लोग वाह वाह करेंगे और आपका पुण्य समाप्त होगा। महाराज ययाति अपने नाती राजऋषि अष्टक द्वारा किए जा रहे यज्ञ की यज्ञ भूमि में गिर पड़े, धरती पर नहीं आए, पुण्य था गिरे। महाराज अष्टक ने पूछा, आप कौन, बताए परिचय, वंदन किए। बोले महाराज आपकी ये गति कैसे हुई? महाराज ययाति ने कहा, बेटे हमने बहुत पुण्य किया, तप किया, इंद्रियों पर पश्चात संयम किया, सत्पुरुषों का सेवन किया, परिणाम स्वरूप हमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। एक बार इंद्र ने छल से मेरे से कुछ ऐसा प्रश्न किया, उसके उत्तर देने में मैंने ऐसा ऐसा कहा तो मुझे नंदन वन से नीचे धक्का दे दिया गया। अब राजर्षि अष्टक ने पूछा, महाराज आप पुनः कैसे स्वर्ग जाएंगे? बोले बेटा हमारे ही कुल का कितना प्रभाव है, देखिए मेरे ही कुल का कोई बालक अपना पुण्य यदि हमारे नाम से अर्पित कर दे तो मैं पुनः स्वर्ग में स्थापित हो सकता हूं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।